नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब जो पिछले साल थी उसी को 2021-22 में बरकरार रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं है, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। इस साल के बजट की बात करें तो 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर आपको सरकार को 15% टैक्स देना है। यहां पर एक जानकारी देते चलें कि अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपए है तो इसे सरकार ने कर मुक्त कर दिया है। ये पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वहीं 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह ही 5% टैक्स बरकरार रखा गया है। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक है उन पर 10% टैक्स लगाया गया है। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए एनुअल है उन्हें 15% टैक्स चुकाना होगा। इस साल के बजट के हिसाब से वो लोग जो सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपए कमाते हैं उन्हें 20% टैक्स चुकाना होगा। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की इनकम पर सरकार द्वारा 25% टैक्स लगाया गया है और जिनकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है उन पर 30% टैक्स लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस साल सरकार ने कुछ नहीं किया है। आम आदमी, सैलरी पेशा कर्मचारी, किसी को भी ना ही छुआ गया है और ना ही छेड़ा गया है और जो पिछले साल का टैक्स स्लैब था उसी को बरकरार रखा गया है।